ये हाईकमांड का मामला है, ऊपर लेवल का AICC का मामला है। उसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा, कामत साहब एक जो है पक्के कांग्रेसी और बहुत ही अच्छी विचारधारा के, राजस्थान में प्रभारी के रूप में थे, अभी भी है। उनका जो है ध्येय और लक्ष्य था कि राजस्थान में किसी तरीके से कांग्रेस आए, और उन्होंने राजस्थान के हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर जाकर और कांग्रेस के हमारे वर्करों को मोटिवेट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों से कमजोर नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपने नेतृत्व, अपनी सोच और अपने रास्ते पर अडिग तरीके से चलती है। के कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारे। कांग्रेस अपने पार्टी में दिग्गज नेताओं को पहले माने कि वो दिग्गज नेता है और उनको सम्मान दे। वो तो केवल एक या दो को ही मानते हैं दिग्गज है, एक ही सरनेम को माना जाता है कि नेता है, बाकी किसी को तो वहाँ कोई महत्व है ही नहीं। मुझे भी जानकारी मिली है कि ऐसा उन्होंने खबर आई है मेरे पास, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी लगातार कुछ प्रदेशों से हमारे वरिष्ठ नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ थोड़ी जल्दबाजी है पार्टी के अंदर, मिल बैठ कर पहले बात करनी चाहिए और हमारी पार्टी किस तरह से इन परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखेगी, यह भी फैसला या ये भी जो है वो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। परंतु मैं समझती हूँ कि जब पार्टी संकट में हो उस समय ऐसी घटनाएं पार्टी को चोट पहुंचाती है। हर किसी को सुनने के बाद खालिद कुरैशी साहब को सुन लेते हैं बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। सर नमस्कार, बताए सर, बात घर की हो या किसी पार्टी की हो, उनको जब कोई बड़ा घर का कोई रूठता है तो उसको सम्मान ना मिलना तभी वो रूठता है। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, सीनियर हो या चलिए मैं बिल्कुल आप ही की इसी बात को लेता हूँ, आसोपा साहब का रुख करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। आसोपा जी, सचिन पायलट ने कहा कि उनको खबर मिली और आपको, आपने कहा कि आपको मोबाइल पर मैसेज मिला, क्या यही संवादहीनता है जिसका जिक्र नारायण बारेट साहब ने कहा था पार्टी में ऊपर से नीचे तक? बारेट साहब ने दो तरह की बात अलग अलग की थी, संवादहीनता। फिलहाल तो इस बात का जवाब दीजिए, सचिन पायलट को खबर नहीं लगी और गुरदास कामत ने आपको मैसेज भेजा? तो सोच समझ कर क्या है कि इस विषय पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको खबर मिली है, मैसेज नहीं मिला गुरदास कामत का। नहीं नहीं, खबर, वो खबर मिलना और उसको आप उस टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाइए, क्योंकि प्रोग्राम में गए हुए हैं उदयपुर में और वो वहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो अगर वो ये कहते कि SMS मेरे को मिला है लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता तो भी बात का अर्थ हो निकलता, और खबर मिली है, हो सकता है उन्होंने अपना SMS नहीं देखा हो, किसी ने बताया, तो एक ही बात है। मतलब आपकी बात को मैं ये मान लेता हूं, मतलब कि कामत साहब और पायलट के बीच में तो सब ठीक था, ऑल इज वेल था, इसका कोई इससे प्रमाणीकरण से संबंध ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपसे पार्टी के अधिकृत है, आप प्रवक्ता है, इसलिए जानना चाहता हूं आपसे। देखिए SMS बड़ा क्लियर है, उनका ये कहना है कि मैं 44 साल काम करने के बाद बैक सीट पे, हमने उसका जिक्र किया, मैं तो फिलहाल प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी के बीच के संवाद का जिक्र करना चाहता हूं। प्रदेश नेतृत्व, क्या किसी तरह की संवादहीनता है? प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी के बीच में कोई संवादहीनता नहीं है, और मेरा सवाल यही था, ये जो निर्णय उनका लेना है उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कामत साहब का कि वो जिस प्रदेश के प्रभारी हैं उस अध्यक्ष को बताएं कि भी मैं ये हाईकमान को ये करने जा रहा हूँ, इसको आप संवादहीनता की परिभाषा में नहीं ले जा सकते। आज किसी जिले का मैं प्रभारी हूँ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ सचिव पद से, तो मैं जिले के अध्यक्ष को कहूँगा या मेरे प्रदेश अध्यक्ष को भेजूँगा, ये इसलिए इसको संवादहीनता की श्रेणी में ले जाना मैं समझता हूँ थोड़ा उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। मैं ये मान लूं कि ठीक है, नाराजगी रही होगी जैसा कि डूडी जी ने कहा, केंद्र से रही होगी, राजस्थान में सब व्यवस्थाएं हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं थोड़ा बहुत बहुगुणा जी ने जो बात कही उसके निकट ले जाऊंगा, और उसको किरोड़ी सिंह जी ने भी कहा। दरअसल जब दौर आता है लोकतंत्र में किसी पार्टी का इस प्रकार से कि जब जनमानस के रूप में तो आपका जनाधार इतना कम नहीं हुआ हो लेकिन सीटों की संख्या के प्रतिनिधित्व से ऐसा झलकता हो जैसे कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई हो जी, तो दर्शक है जाकिर साहब और दिनेश जी, आप रुकिएगा। करोड़ी सिंह जी, मैं एक सवाल आपके पास में लेकर आना चाहता हूं, अगर मैं इस दौर को थोड़ा और पहले ले जाऊं, उत्तराखंड की सियासी संकट से जोड़कर इस बात को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुगुणा का जिक्र यहां पर हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या गुरदास कामत और उसके बाद त्रिपुरा, एक पार्टी के लिए ये चार राज्य किसी बड़े संदेश से कम नहीं होंगे?
निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश है, यहाँ चूक हुई है कांग्रेस से। किसी एक घटना के आधार पे हम नहीं जज कर सकते। जैसे कामत साहब ने अगर पार्टी छोड़ने का या संन्यास लेने का मानस बनाया तो कोई एक घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं होंगी। एक घटना उस उनके डिसीजन को ट्रिगर कर देती है, उस समय डिसीजन ले लेते हैं। तो ये लंबे समय से हो सकता है कि राजस्थान का भी कुछ हो, महाराष्ट्र का भी कुछ हो, और अगर उत्तराखंड से सीख ले लेते तो क्या ऐसे हालात पनपते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह का हालात अब हो गया है राजनीतिक दृष्टि से, उस स्थिति में कांग्रेस को संभालना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। क्योंकि भारत में और हमारे समाज में जो पर्सनैलिटी कल्ट का ट्रेडिशन है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि जितनी जागरूकता बढ़ रही है तो व्यक्ति पूजा के आधार पे आप कोई भी राजनीतिक दल नहीं चला सकते लंबे समय तक। चलिए दो दर्शक हैं, मैं उनका भी रुख करता हूं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताए पारिक साहब, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। कामत साहब का जो इस्तीफा है वो कांग्रेस में अगर देखा जाए तो संजय निरुपम से जोड़कर देखा जाना चाहिए, उनकी स्थानीय राजनीति का उसके अंदर फुट ज्यादा है। उनसे नाराज होकर कामत साहब इस्तीफा दे रहे हैं। संजय निरुपम शिवसेना से कांग्रेस में आए थे, ये भी सुना जा रहा है कि प्रिया दत्त भी कांग्रेस छोड़कर जा रही है। तो इसी प्रकार से एक दिन आज बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं कांग्रेस की हालत पे, इतनी पुरानी पार्टी है। अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो किसी ना किसी प्रकार से लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है। और बीजेपी वालों को भी ये समझना चाहिए, जिन कांग्रेसियों को इन्होंने लिया है या जिन क्षेत्रों में ये कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस एमएलए को अपने साथ ले रहे हैं, एक दिन इनकी स्थिति भी वही हो जाएगी जो आज। चलिए मैं बात करूंगा ज्ञानदेव जी से इस पर। जाकिर साहब है, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी जो सिक्कत है जिसे सज्जन ने बात की थी, दिन हमें ये कहना चाहता कांग्रेस मुक्त ना तो कभी होगी ना कभी, क्योंकि अपने देश में सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी 2014 में जो सरकार और चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी जी के पांव छुए थे, अडवाणी जी का ध्यान किसी और तरफ, जैसे उनके पांव छुने लगे तो वो क्या अपना चेहरा घुमा लिया था। तो हर पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं, किसी ना किसी कारणवश होते हैं। धन्यवाद जाकिर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानदेव आहूजा साहब, इसी को लेकर आपके पास भी आना चाहता हूँ। ये जाकिर, जाहिद और दिनेश, ये तीनों हर बार आते हैं, ये लगता है कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित, तो वहाँ पर कांग्रेस के फेवर में बोलते हैं जी। ये तीनों ही आते हैं हर बार, मैं चौथी बार आ रहा हूँ इस डिबेट में। मेरा ये कहना है कि मैंने बीजेपी का होकर के, भारतीय जनता पार्टी का होकर के भी मैंने कांग्रेस मुक्त ने कहा, आसोपा जी ने कहा और एक जाकिर ने कहा और दिनेश ने कहा, ये कांग्रेस ही है, ये खुद ही कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं इस देश को। अब कांग्रेस मुक्त हो रही है क्योंकि अपवित्र गठबंधन और अपवित्र तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई। मैंने पहले कहा कांग्रेस का डीएनए ही खराब है इस देश में, जो अच्छा डीएनए, अच्छा खानदान ही चलता है। कांग्रेस खानदान नहीं है, कांग्रेस एक गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना, इसलिए सारे कांग्रेसी दुख पा रहे हैं। गांधी जी को आपने गोली मार दी, सारे कांग्रेसी दुख पाए, गांधी जी को आपने गोली मार दी। वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेस में, इस बात को मानेंगे फिर? हाँ बिल्कुल वर्चस्व। नारायण बारेठ साहब, हर पहलू के बाद फिर से मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ, ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर समझा जाए कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके भीतर बड़ी खलबली है लेकिन उसको न तो पार्टी का नेतृत्व समझ पा रहा है और न ही ऐसे सूरत हाल पैदा हुए हैं कि अभी फिलहाल उन पर गौर किया जाए पार्टी नेतृत्व की ओर से, कहीं सीरियसनेस नजर आती है? नहीं, कुछ चूक कांग्रेस में बुनियादी तौर पे है। जैसे विजय बहुगुणा को एकाएक उत्तराखंड में सीएम बनाना, उनका क्या योगदान था, फिर एकाएक वो चले गए, अब दूसरे पार्टी में भी चले गए। आपके लोग जो आपके निर्णायक मंडल के मेंबर रहे हैं वो न केवल आपकी आइडियोलॉजी को छोड़ गए मुसीबत के समय बल्कि एक विरोधी आइडियोलॉजी में चले गए। जैसे मैं आपको नाम गिनाता हूँ, नजमा हेपतुल्ला, नटवर सिंह जी, अभी हंसराज भारद्वाज भी खिलाफ में बोल रहे हैं, ये आपके पिलर थे, ये न केवल आपको छोड़ गए आपकी विरोधी विपरीत पार्टी के पास चले गए। अगर ये समान विचारों के पास जाते तो समझ में आता कि आपकी आस्था रही है। इसका मतलब ये है कि आप में बुनियादी तौर पे आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस का आधार नहीं है, 15 चुनाव है जिसमें से 6 में ये लोग साफ जीते हैं, 4 में गठबंधन को लीड किया है और अभी भी 19% वोट मिले, बीजेपी को 31% वोट मिले, 70% तो उनके खिलाफ है ना अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का वर्चस्व, और किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए, डेमोक्रेसी में सबका वर्चस्व रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए, भारत जैसे देश में पहला राजनीतिक कार्यकर्ता महात्मा गांधी थे,
पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी और उन्होंने ये स्थापना दी है कि भारत में एक राजनीतिक कार्यकर्ता दो तरीके से आएगा, या तो समाज की सेवा करके आएगा या स्ट्रगल से आएगा। अब मैंने जैसे निवेदन किया आपको, दोनों से नहीं आ रहा है। अब वो सत्ता की तलब से आ रहा है, अब वो क्लब से आ रहा है, और ऐसे हालात में फिर कांग्रेस के बीच संवादहीनता का जिक्र होता है। सवाल इस बात का भी है कि राहुल गांधी इन चार राज्यों के हालात के बाद कहते हैं कि 10 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और उसका ऐलान जल्द होगा, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या कामत प्रकरण या फिर जोगी प्रकरण के बाद इस 10 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जा रहा है, ब्रेक के बाद। जो ऊपर के स्तर के नेता हैं उन लोगों उनको इन नीचे के कार्यकर्ताओं और नीचे स्तर के जो नेता हैं उन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तरीके से अभी गुरदास कामत जी और अजीत जोगी जी पर अपने कांग्रेस से निकले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अपने वर्चस्व और अपने कद के लिए लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने कांग्रेस को।